हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। तो गाइस, अभी सुबह का बज गया है 8:30 और मैं नींद से उठ चुका हूँ फुल्ली। सो देख सकते हो जो हेयर स्टाइलिंग किया अभी, मतलब बाल को पकड़ने का बहुत मन करता है हमेशा बार बार से। तो ओके गाइस, अभी मैं नहाया नहीं हूँ, जस्ट मैं उठ के व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेश व्रेश होके, ब्रश व्रश करके। तो अभी गाइस थोड़ा सा वर्कआउट करता हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर नहाऊँगा और आप लोगों से मैं लगभग दोपहर के टाइम ही मिलूँगा, क्योंकि आज कुछ काम है। सो वो काम पापा के साथ जाके मुझे करना पड़ेगा, तो काम करने के बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइज, दोपहर के अभी 1 बज गया है पक्का वाला। सो कुछ काम था पापा के साथ, वो सब काम ख़त्म कर लिया है। आके मैं एडिटिंग पे बैठ गया था, इस वजह से ब्लॉग को भी रीशूट नहीं कर पा रहा था। सो वो सब कुछ कंप्लीट करके अभी आप लोगों से मैं मिल रहा हूँ। सो गाइज, अभी आज ना एक मतलब मम्मी का ही दोस्त का बोल सकते हो, आज दोस्त की लड़की का शादी है, हम लोग का मैम हुआ करते थे। सो उनके शादी पे भी जाना है, तो मम्मी स्कूल से आने के बाद आप लोग भी दिखाऊंगा। तो अभी फटाफट से थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आप लोगों से डायरेक्टली मिलता। तो गाइज, दोपहर का 2:44 बज गया, तो माँ का कुछ मम्मी का कुछ काम आ गया होगा, तो इसी वजह से मम्मी को थोड़ा सा लेट होगा जाने में। वो जो मैं बोला था ना, फ्रेंड के घर में शादी है, फ्रेंड के लड़की का, सो जाएंगे लगभग 3:30 बज जाएगा, लेकिन जाऊंगा। अभी थोड़ा सा मम्मी के लिए वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा काम है मम्मी बोला, तो इसी वजह से मैं थोड़ा नीचे ऐसे घूम रहा हूँ लोगों के साथ। वो लोग आ रहे थे, थोड़ा बात बात किया, अच्छा लगा। तो चलो गाइस, डायरेक्टली वहाँ पे मिलता हूँ। तो वैसे जाने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो अभी जा रहा हूँ मैं, तो बस बस से ट्रेवल करके जाएंगे, अच्छा लगेगा, आप लोग भी दिखाऊँगा। और कल के ब्लॉग पे गए, आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा था। अभी तो जैसे मैंने जेल वेल नहीं लगाया, तो इस वजह से नॉर्मल लग रहा होगा, इन कल एकदम अलग से ही लग रहा था। तो कमेंट करके बताना गाइस, इस ब्लॉग पे कल का वाला ब्लॉग कमेंट करके बताना, ऐसे बहुत लोग ने कमेंट किया है, अच्छा लगा मुझे। फिर भी चलो चलते हैं, अभी दिखाऊँ। तो गाइस अच्छा, हम लोग को अभी बस में नहीं जाना पड़ा, हमको एक ऐसे टाइम मैजिक मिल गया, ये डायरेक्टली जाएगा गाइस 7th mile तक। हम लोग ऐसे SMS में हाथ माइल बोलते हैं, तो वही और 7th mile चलो तो जाते हैं। और अभी सनसेट का वक्त है, मस्त लग रहा है, स्पीड देखो। चलो भाई चलते हैं, ऐसा लग रहा है उड़े आसमान, ऐसा ऐसा लगता है, लग रहा है। चलो भाई चलो। हम लोग का एक पोपट हो गया, हम लोग का जो स्टेशन में जाना था उससे थोड़ा सा आगे लेके गया वो मैजिक वाला, तो अभी फिर से टोटो लेके जाना पड़ रहा है हम लोग उस जगह पे। तो क्या ही करे, पोपट होते रहते। चलो अभी तो जा रहे हैं, सुंदर नज़ारा आ रहा है, बहुत अच्छा अच्छा हवा आ रहा है, देख सकते हो गाइस वाला पहाड़ देखो, क्या मस्त वाला लग रहा है। तो गाइस हम लोग आ ही गए, प्लस पता नहीं चल रहा है परफेक्टली इधर ही है या नहीं। तो गाइस आ गया हूँ अभी, मेरे साथ थोड़ा सा बात बात कर रहा हूँ, और उसके बाद इसे कब तक निकलता है मिलता हूँ। चलो गाइस, और एक मंदिर के इधर पे लेके जा रहा है, मैं दिखाता रहे, सूटू खुली वो लगी वो ना, देख सकते हो गाइस ये चीज़ ना, जब मैं यहाँ से उठ के जब ऊपर आ रहा था ना, तब मैंने देखा था ये वाला, तो उन लोग का मेनली होता है गाइस ये, अच्छा लग रहा है, देख सकते हो फुल्ली SMS का जो एक होता है वही। और इन लोगों को जस्ट अभी पता चला कि मैं ब्लॉगिंग कर, सो लिटरली गाइस वो लोग भी हैप्पी है कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, तो ये लोग भी हमारा चैनल देखता है, पता नहीं था मुझे, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और गाइस मुझे ना ज़्यादातर अभी जो लॉकडाउन के वजह से ज़्यादा वो एंगेज टाइप नहीं होता है, तो इसी वजह से वो लोग घर में ही कर रहा है शादी। तो आप लोग को तो सारा दिखाई दिया, अभी फिर से दिखा दो एक सिनेमेटिक।
बाय बाय। तो गाइस अभी मैं उन लोग के घर से निकल गया हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा, मेरे बहुत सारे दोस्त भी बने और सब लोग मतलब बहुत ही अच्छा लगा। वो लोग जब मैं सुना कि मैं यूट्यूबर हूँ तो सारे मतलब ब्लॉग पे आना चाहते थे वो लोग, अच्छा लगा गाइस। तो थक गया हूँ तो अभी यहाँ से बस पकड़ना पड़ेगा, देखते हैं, इसको 7th mile बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से बस पकड़ते और फिर झालुकबारी जाते हैं। तो पहले घर जाऊँगा, घर जाने के बाद कैमरा वैमरा लेके उसके बाद निकलूँगा स्कूटी लेके बाहर, देखते कहाँ पे जाते हैं, आप लोगों को भी दिखाऊँगा। चलो देखते रहो ब्लॉग को। रात के वक्त लेकिन हाईवे का मज़ा ही अलग होता है ना गाइस, देख लो मज़ा आता है एकदम से। वो रहा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गाइस, इसका एंडिंग वाला गेट है ये, बाहर वाला एंट्रेंस वाला उस साइड है। चलो तो गाइस शाम के अभी 7 बज गया है और मैं घर अभी जस्ट आया हूँ वहाँ से 7 mile से। सो अभी निकलूँगा थोड़ा पूजा के लिए घूमने। सो कैमरा को भी पैक वैक करता हूँ क्योंकि कैमरा को भी लेके जाऊँगा, कुछ सिनेमेटिक शॉट्स लेना है। सो इसी वजह से आप लोगों से मिलता हूँ कुछ ही देर बाद, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, गर्मी बहुत लग रहा है, इसको भी पैक करता हूँ और फिर ही आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस देख सकते हो मेरा कैमरा का बैग है, कैमरा फुल्ली पैक्ड है। यहाँ पे ये एक इंस्टेंट कैमरा इसको बोलते हैं, सोनी का एक है कैमरा, ये वाला डिजिटल कैमरा बोल सकते हो, ये वाइड एंगल लेंस है और यहाँ पे मैंने किट लेंस लगाया है क्योंकि वहाँ पे सिनेमेटिक शॉट्स लूँगा। और ये माइक है और ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड इस साइड में, ऐसे वहाँ पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगा कैमरा से, वहाँ पे जस्ट सिनेमेटिक शॉट्स के लिए सिर्फ ब्लॉगिंग मैं फ़ोन से करूँगा। तो यही है, अब इसको पैक करके चलो चलते हैं थोड़ा देर बाद। तो देख सकते हो कैमरा का बैग ले लिया और रात के भी 8 बज चुका है, तो चलो निकलते हैं। तो गाइस मैं हूँ काठियावाड़ में, तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस जामती नगर में, जो मेरा पुराना लोकेलिटी है जहाँ पे मैं पहले रहता था गाइस, तो उस जगह पे अभी जा रहा हूँ वहाँ का पूजा देखने, आप लोग भी दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये है जामती नगर का मूर्ति, बहुत ही ओपी लग रहा है गाइस। দুর্গা আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ, ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। तो गाइस अभी जयमती नगर के वहाँ से आके अभी हम पांडु भाषाश्रम में है जहाँ पे हमने मूर्ति दिया था गाइस, सो वहाँ पे अभी आया हूँ, चलो देखा। ये है हमारा परमानंद जी गुरु जी और गाइस ये है यहाँ पे मंदिर ने जो मूर्ति दिया था गाइस, दुर्गा माँ का मूर्ति। तो गाइस ये जो है इसको बोलते हैं बेल षष्ठी, हमको पता नहीं, मम्मी ने बोला अभी जस्ट, षष्ठी पूजा यहाँ पर होता है। हाँ तो षष्ठी पूजा है आज के दिन, वो इधर ही होता है गाइस, देख सकते हो। तो जैसे कि सिनेमेटिक शॉट वगैरह दिया दी, ये सब हम लोग के मंदिर के अंदर ही है, आप लोग अलग जगह पे मत समझना, तो यहाँ पे ही है। चलो अभी नेक्स्ट जगह पे जाकर आप लोग से मिलता हूँ। अभी देखते हैं गाइस किधर जाते हैं, आज का व्लॉग लेकिन बड़ा होगा एंड फिर भी आप लोग देखना, ये मेरा रिक्वेस्ट टू सी यू द फुल व्लॉग, बहुत ही मस्त वाला व्लॉग बना है, देखना जरूर से। चलो अभी नेक्स्ट जगह पे चलते हैं। तो गाइज ये वाला जो पूजा देख रहे हो गाइज, ये वाला है पांडु का 4th number colony, पांडु का बोलते हैं गाइज। और यहाँ पे देख सकते हो दिस पूजा पैंडल इज फुल्ली सैनिटाइज्ड है गाइज, चलो सही है। मूर्ति हमको बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगा, मैं 10 के बीच में मैं इसको रेटिंग 8 देना चाहता हूँ, बहुत ही मस्त है। चलो गाइज अभी देखते हैं और कहाँ पे चलते हैं, स्कूटी उधर है गाइस। ये वाला जो पूजा है ये गाइस पांडु इंस्टीट्यूट कॉलोनी का है। तो गाइस ये वाला जो मूर्ति है ये वाला है इंस्टीट्यूट कॉलोनी के थोड़ा सा आगे आना पड़ता है, तो वहाँ पे है ये वाला मूर्ति, इतना सुंदर बना रहा है ना भाई, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, एकदम से नॉर्मल एक लेडी की तरह बना, उसमें हनुमान जी भी दिया गया, वाओ बहुत ओपी। तो गाइस ये वाला है पांडु कॉलेज गेट का पूजा, बहुत ही अच्छा बनाया गया। चलो
देखते हैं गाइस अभी नेक्स्ट पे जाते हैं वो लड़का खाना। गाइस अभी जो पूजा का मूर्ति दिखाने वाला हूँ ये मतलब सब लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं रेस्क्रेम काली वाली का मूर्ति, हमेशा ओपी होता है, इस बार भी ओपी हुआ है। इसको मैं 80 रेटिंग देना चाहता हूँ, लेकिन सही है गाइस। ये वाइट वाला सेटअप ना बहुत ही ओपी लगता है हमको दुर्गा ठाकुर के। ये वाला रेस्क्रेम काली वाली सबसे फेमस वाला है और ये भी रेल के तरफ से ही सैनिटाइज किया हुआ है, तो इस बार फुल्ली सैनिटाइज है सब कुछ। ये लिटरली अच्छा लगा हमको, तो चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ गाना वाना आ रहा है। और ये है गाइस रेस्क्रेम काली वाली मेन काली वाली, चलो अभी चलते हैं। तो गाइस ये वाला है अकाउंट्स कॉलोनी का पूजा और ये वाला है आज हम लोग का लास्ट, अभी के लिए ये वाला लास्ट पूजा होगा। उसके बाद लास्ट पूजा मतलब लास्ट पूजा देखना होगा, फिर नेक्स्ट फिर कल सुबह रात, क्योंकि अभी अगर सब दिखा दूँ तो सब कंप्लीट हो जाएगा ना, आप लोग को बहुत सारा दिखाना है ना। चलो देख सकते हैं अकाउंट्स कॉलोनी का बहुत ही ओपी लग रहा है। चलो मम्मी के साथ अभी चलते हैं, देखते हैं मम्मी को बोलते हैं अगर कहीं और जाना है तो, नहीं तो डायरेक्ट घर। तो गाइस अभी एक अलग सा सीन हो गया, अभी मेरे सामने से एक लड़का ना स्टिंग पीते पीते गया, तो मुझे लिटरली गुस्सा आ गया था, अभी मैं स्टिंग पीने जा रहा हूँ भाई, जो भी हो जाए भाई अभी पहले स्टिंग पीऊँगा उसके बाद ही कुछ और बात होगा गाइस। चलो एट लास्ट गाइस मेरा जान मेरे साथ है, इसके फटाफट से पीते और फिर चलते। सो गाइस रात के अभी 10:30 बज गया है और मैं लगभग गाइस घर आया था 9:40 to 9:45 समथिंग। तो आने के बाद थोड़ा सा नीचे बात किया बहुत लोग के साथ आज, मतलब बात हुआ आज अच्छा लगा, तो नीचे सब लोग के साथ बात कर रहा था। तो अभी आते अभी जब घर आया तो 10:30 बजा देखने, तो अभी फटाफट से ब्लॉग को एडिट करता हूँ और फिर अपलोडिंग में भी देना पड़ेगा, आज का ब्लॉग थोड़ा सा भरा हुआ है तो आप लोग प्लीज़ देखना, मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग भी आप एंड करते हैं क्योंकि एडिट भी करना पड़ेगा और टाइम लगेगा, और कल तो जैसे कि सप्तमी का पूजा है तो इसी वजह से बहुत ही सुबह उठना पड़ेगा हमको, तो इसी वजह से फटाफट से आज का ब्लॉग एडिट करके अपलोडिंग में देखे सो जाता हूँ। चलो गाइस अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। वाला मूर्ति इतना सुंदर बना रहा है ना भाई, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, एकदम से नॉर्मल एक लेडी की तरह बना, उसमें हनुमान जी भी दिया है, वाव बहुत ओपी। लग लो दोला काशे।